हेलो एवरीवन, आई एम सी ए देवेश ठाकुर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेवोकेशन अंडर जीएसटी। रेवोकेशन मींस, रेवोकेशन का अगर आप जनरल सेंस में मीनिंग समझें तो इट मींस ऑफिशियल कैंसिलेशन ऑफ अ डिसीजन। यानी किसी ने किसी चीज़ के ऊपर डिसीजन लिया है, अब इसको ऑफिशियल तरीके से हम उस डिसीजन को कैंसिल करवा रहे हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रीजंस फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी नंबर बाय प्रॉपर ऑफिसर। ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें प्रॉपर ऑफिसर स्टेप लेता है फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी नंबर। देन है गाइस, हमारा सेक्शन नंबर 30 आएगा ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो हमें बताएगा कि हु कैन अप्लाई एंड विद इन वट टाइम फ्रेम इट कैन अप्लाई फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। उसके बाद हम देखेंगे हमारा फ्लो चार्ट, जो हमें एक्सप्लेन करेगा कि क्या प्रोसेस है हमने जीएसटी रेवोकेशन के लिए, उससे पहले के क्या स्टेप्स हैं, कैसे हमने उस एप्लीकेशन को फाइल करना है, उस एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, इन दोनों ही केसेस में आपने क्या कंप्लायंसेस करने हैं, क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। देन है गाइस टाइम लिमिट फॉर रिटर्न फाइलिंग, उसको हम एक समराइज फॉर्म में समझेंगे। आपको एप्लीकेशन से पहले कौन कौन से टाइम पीरियड की रिटर्न्स फाइल करनी है, एक्सेप्टेंस के बाद यानी जिस दिन आपकी एप्लीकेशन ऑफ रेवोकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी उस दिन के बाद आपने कौन कौन सी रिटर्न्स फाइल करनी है, क्या टाइम फ्रेम है, किस टाइम फ्रेम के अंदर आपने उन रिटर्न्स को फाइल करना है, क्या बेनिफिट्स अवेलेबल हैं जो कि हमारी 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हमारे को अवेलेबल हुए हैं, कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हमने लेने हैं, और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कैसे आप जीएसटी पोर्टल पे एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल कर सकते हैं। रेवोकेशन ओनली व्हेन कैंसल्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर। रेवोकेशन आपका नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एप्लीकेबल नहीं है। इट मींस अगर आपने वॉलेंट्री अपना जीएसटी नंबर सरेंडर किया है उस केस में रेवोकेशन पॉसिबल नहीं है, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा। रेवोकेशन मींस टू रीएक्टिवेट योर कैंसल्ड जीएसटीएन बाय प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर ने किसी रीजंस की वजह से आपका जीएसटीएन नंबर कैंसिल किया है, अब आप उसको रीएक्टिवेट कराना चाहते हैं। रीएक्टिवेशन ऑफ जीएसटीएन कैंसल्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर, इसको हम समझेंगे इन रिगार्ड विद सेक्शन 29 रेड विद रूल 21। सबसे पहले हम समझते हैं कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमारा जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है। उनमें से सबसे पहला है डज नॉट कंडक्ट बिजनेस फ्रॉम दैट प्लेस ऑफ बिजनेस। यानी प्रॉपर ऑफिसर के पास जीएसटी में पावर है कि वो फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकता है आपकी जीएसटी प्रेमाइसिस की। वो प्रेमाइसिस जो आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाई है अंडर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर ऑफिसर उसको फिजिकली वेरीफाई कर सकता है, और फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर वो फाइंड आउट करता है कि वहाँ कोई ऐसी बिजनेस की प्लेस ही नहीं है, यानी वहाँ कोई बिजनेस ऐसा चल ही नहीं रहा या फिर कोई वो एड्रेस ही एग्जिस्ट नहीं करता, उस केस में वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। Any person who has taken voluntary registration under subsection 3 of section 25 has not commenced business within 6 months from the date of registration. वो assessee, वो taxpayer जिसने voluntary registration ली है और voluntary registration के बाद 6 महीने तक उसने अपना business commence नहीं किया है, उस case में भी proper officer आपका GST number cancel कर सकता है। देन है हमारा इशू इनवॉइसेस और बिल्स विदाउट एक्चुअल सप्लाई, इन शॉर्ट वी कैन से बोगस बिलिंग। आपने इनवॉइस इशू करा या बिल रेज किया जस्ट फॉर अकाउंटिंग एंट्री पर्पसेस, उसमें कोई एक्चुअल मूवमेंट्स नहीं हुई है ना गुड्स की ना सर्विसेज की, आपने सिर्फ इनवॉइस इशू किया जो कि बोगस इनवॉइस था, सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए और रोटेशन पर्पस के लिए आपने उसको इशू किया।
अगर उस केस में आपका पकड़ा जाता है तो प्रॉपर ऑफिसर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा वॉयलेट्स एंटी प्रॉफिटरिंग कंडीशन। जब ये जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम पे काफ़ी सारे चेंजेस आए थे इन रेट्स। उन रेट्स को जो बेनिफिट्स मिल रहा था ऑर्गेनाइजेशन को, उसका बेनिफिट अल्टीमेटली उनको कंज्यूमर पे पास ऑन करना था। जो सेलर है उसको अपना अल्टीमेट जो प्रॉफिट है उसको शेयर करना था, उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना था। पब्लिक को बेनिफिट्स देने थे। उसमें आपका क्लॉज 171 है जो इंसर्ट किया गया था जीएसटी एक्ट में, विच प्रोवाइड्स दैट इट इज़ मैंडेटरी टू पास ऑन द बेनिफिट ड्यू टू द रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स और फ्रॉम ITC टू द कंज्यूमर बाय वे ऑफ कमेंसुरेट रिडक्शन इन प्राइसेस। आपको जो बेनिफिट मिल रहा था रेट रिडक्शन से या ITC से, वो आपको अल्टीमेटली कंज्यूमर को पास ऑन करना था। अगर आप वो चीज़ नहीं करते हैं उस केस में भी प्रॉपर ऑफिसर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा नॉन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। अगर आप एक कंपोजिट डीलर हैं अंडर सेक्शन 10 और आपने अपनी 3 टैक्स पीरियड तक आपने अपनी रिटर्न नहीं फर्निश करी है, या फिर अदर देन कंपोजिट डीलर के केस में आपने 6 कॉन्टिन्यूस मंथ्स तक अपनी GSTR 3B फाइल नहीं करी है, उस केस में प्रॉपर ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि वो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट है गाइस, रजिस्ट्रेशन बीन ऑब्टेन बाय फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट। आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया था एक फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए या फिर विलफुल मिसस्टेटमेंट के लिए, उस केस में भी प्रॉपर ऑफिसर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट इज नॉन फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स विद इन 45 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको अपना बैंक अकाउंट फीड नहीं करना है, वो आप बाद में फीड कर सकते हैं। जीएसटी अलॉटमेंट के बाद सबसे पहली चीज़ आपको अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना होता है। इन केस अगर आपने 45 डेज तक अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट नहीं करा है, उस केस में भी प्रॉपर ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि वो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। सेक्शन 30 ऑफ CGST Act 2017 ये हमें बताता है हु कैन अप्लाई फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड विद इन वट टाइम फ्रेम इट कैन अप्लाई फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। सबसे पहले देखते हैं हु कैन अप्लाई। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हुज GSTN हैज बिन कैंसल्ड बाई ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन। यानी प्रॉपर ऑफिसर जो अथॉरिटी है उसने खुद से रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल किया हो किसी रीजन की वजह से जो अभी हमने डिस्कस किए, अगर आपने वॉलेंट्री अपना सरेंडर किया है जीएसटी नंबर, इन डैट केस आपको एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी है, आपको रेवोकेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एंड विद इन वट टाइम फ्रेम, रजिस्ट्रेशन का जो आपको कैंसिलेशन का ऑर्डर सर्व होगा उस ऑर्डर के रिसीव होने से 30 दिन के अंदर अंदर आपने रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंटली हमारी जीएसटी काउंसिल की मीट हुई थी, उसमें 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में रेवोकेशन के प्रोसेस के लिए काफ़ी बड़ी रिलीफ दी गई है। रेवोकेशन के लिए अब आप अप्लाई कर सकते हैं टिल 30th of September 2020। रजिस्ट्रेशन जो कि कैंसल्ड हुई है टिल 12th of June 2020, वो अब अप्लाई कर सकते हैं फॉर रेवोकेशन टिल 30th of September 2020। यानी इसका जो पीरियड कवर किया गया है वो जीएसटी जब से अप्लाई हुआ है हमारा जुलाई 2017 से लेकर जून 2020 तक। ये इतना बड़ा टाइम फ्रेम आपको दिया गया है गाइस, अगर आप रिवोक करना चाहते हैं ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने इनएक्टिव जीएसटीएन को एक्टिव करा सकते हैं। उसके लिए आपको जो टाइम फ्रेम दिया गया है वो है 30th of September 2020। प्रॉपर ऑफिसर के पास डिस्क्रेशनरी पावर है, उसके पास अल्टीमेट पावर है कि वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है।
रिजेक्ट के केस में उसने एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है जो कि आपको इन रिटर्न वो रीज़न मेंशन करके देगा कि क्या रीजंस की वजह से आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है। उससे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी आपको मिलेगी। यह है गाइज हमारा फ्लो चार्ट जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे हमारा रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या है। रेवोकेशन हमारा उस केस में एप्लीकेबल है जहां पे GSTN हमारा कैंसिल हुआ है ओनली बाय प्रॉपर ऑफिसर। इसमें हमारे तीन स्टेप्स हैं। स्टेप वन, चेक इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन। इसमें सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है अपना ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन जो कि फॉर्म नंबर GST REG09 है। उसमें आपने चेक करनी है इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन। इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन आपकी रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है, इसीलिए आपको ये डेट जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन क्या है, क्योंकि उसी डेट से काफ़ी सारे कंप्लाइंसेस हैं जो आपने अभी फुलफिल करने हैं। सेकेंड स्टेप है गाइज, चेक कंप्लायंस डन अप टू व्हाट डेट्स। यानी अब आपने चेक करना है कि आपने लास्ट कंप्लायंस कब तक किया हुआ है। चेक वेदर एनी रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। वी हैव टू चेक कंप्लायंस डन अप टू व्हाट डेट। आपने पिछली कौन सी रिटर्न फाइल करी है, कब तक की फाइल करी है, ये अब जानना जरूरी है। देन गाइस स्टेप थ्री में रिटर्न टू बी फाइल्ड टिल द मंथ प्रीवियस टू द डेट ऑफ इफेक्टिव कैंसिलेशन। हमारा एक सर्कुलर नंबर 99/18/2019 है जो कि हमें ये बताता है कि हमें रिटर्न फाइल करनी है टिल द मंथ प्रीवियस टू द डेट ऑफ इफेक्टिव कैंसिलेशन। अगर आपने रेवोकेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपने रिटर्न भरनी है उस पिछले उन सारे पीरियड्स की टिल द मंथ प्रीवियस टू द डेट ऑफ इफेक्टिव कैंसिलेशन। आपकी जो डेट ऑफ इफेक्टिव कैंसिलेशन है उससे पिछली आपको सारी रिटर्न्स भरनी पड़ेंगी अगर आप रिवोक करना चाहते हैं। फॉर्म GSTR REG 21 जो कि फाइल एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन है। एप्लीकेशन फाइल करने से पहले आपको अपने पिछले सारी रिटर्न्स फाइल करनी है। ITC एज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 1617 अगर आपको एप्लीकेबल है तो आपने वो अवेल करना है। टैक्सेस आपने पे करने हैं, इंटरेस्ट आपने पे करना है, लेट फीस आपने पे करनी है। लेट फीस का जो मैक्सिमम कैप अब है वो है 500 पर रिटर्न। यानी अगर आप पूरे साल की रिटर्न्स का चेक करें तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 6000 के आसपास प्लस इंटरेस्ट आपको लेट फीस भरनी है अगर आपका इतने लॉन्ग पीरियड तक की रिटर्न्स फाइल नहीं करी हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है क्योंकि इतने से अमाउंट में आपका जो नॉन कंप्लायंस GST है वो कंप्लायंस GST में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको अपने इन एक्टिव स्टेटस से एक्टिव स्टेटस में आने के लिए ये एक बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है जो आपने पे करना है। अब गाइस देखते हैं एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप। एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, इसमें हम तीन स्टेप्स में इसको समझेंगे। सबसे पहला, आपने अप्लाई करा और आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई, तब उस केस में आपने क्या करना है। सेकंड, अगर आपकी एक्सेप्ट नहीं होती है, इन दैट केस आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपकी ये एप्लीकेशन कैंसिल क्यों नहीं करी जाए, जो एप्लीकेशन आपने फाइल करी है उसको हम रिजेक्ट क्यों नहीं करें, हमें एक्सप्लेन कीजिए। स्टेप थ्री है हमारा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, इन दैट केस टैक्स पेयर क्या कर सकता है। सबसे पहला सिनेरियो है अगर आपकी एप्लीकेशन फाइल हो जाती है, एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन इफ एक्सेप्टेड, मेक GSTN फुल्ली कंप्लाइंट ऑर्डर
इन्फॉर्म जीएसटीआर आरईजी 22। आपको अपने जीएसटीएन को फुल्ली कंप्लाइंट करना है। इन दैट केस फाइल करें रिटर्न। रिटर्न्स टू बी फर्निश फॉर द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन आपको कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर रिसीव हुआ था उस दिन से लेकर डेट ऑफ रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, जिस दिन आपका कैंसिलेशन रिवोक कर दिया गया बाय जीएसटी डिपार्टमेंट, उस पीरियड के बीच का जो टाइम पीरियड है उस टाइम फ्रेम की आपको जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी है। उसका टाइम पीरियड क्या है? टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन आपको ऑर्डर रिसीव हुआ ऑफ रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उससे 30 दिन के अंदर अंदर आपने इस टाइम फ्रेम की रिटर्न्स फाइल करनी है। नेक्स्ट आते हैं इन केस आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। इन डैट केस आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, जो कि REG 23 फॉर्म है। उसमें आपको ये पूछा जाएगा कि व्हाई योर एप्लीकेशन शुड नॉट बी रिजेक्टेड। उसका रिप्लाई आपको विद इन 7 डेज में सबमिट करना है कि क्यों आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाए। फिर हमारा सिनेरियो आता है इफ एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। इन डैट केस एप्लीकेंट के पास एक ऑप्शन है टू फाइल एन अपील अंडर सेक्शन 107 ऑफ द CGST एक्ट 2017। पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर पास बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेड डिसीजन और ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड टू सच पर्सन। जिस दिन आपको वो ऑर्डर रिसीव होगा उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 107। अब गाइस समझते हैं ये टाइमलाइन क्या है फॉर रिटर्न फाइलिंग। रेवोकेशन का जो प्रोसेस है अगर वो सक्सेसफुली आपका कंप्लीट हो जाता है, आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इन डैट केस आपको क्या क्या कंप्लाइंस करने हैं, कौन से पीरियड की रिटर्न भरनी है, हम इसको एक समरी के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला सिनेरियो है बिफोर अप्लाइंग फॉर रेवोकेशन आपने किस पीरियड की रिटर्न फाइल करनी है। आपने रिटर्न फाइल करनी है डेट फ्रॉम विच रिटर्न इज नॉट फर्निश्ड, यानी जो लास्ट रिटर्न फाइल करी थी उसके बाद से लेकर टू द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन होगी। आपने जब से नॉन कंप्लायंस स्टार्ट किया था तब से लेकर जब तक आपको ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन रिसीव हुआ था उस टाइम फ्रेम के बीच की आपको सारी रिटर्न्स फाइल करनी है टू अप्लाई फॉर रेवोकेशन। सर्कुलर नंबर 99/18/2019, इसमें जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक एग्जाम्पल के थ्रू हमारे को समझाया है कि कैसे आपने उन डेट्स को एनालाइज करना है। अभी हम उसको भी समझेंगे। उसी एग्जाम्पल को जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने उस सर्कुलर में एक्सप्लेन किया है हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देन है गाइज, अगर आपकी एक्सेप्ट हो जाती है, अगर आपका रिवोक हो जाता है ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, इन डैट केस आपको रिटर्न फाइल करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, यानी जब आपका इफेक्टिव डेट है ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन की, वहां से लेकर जहां डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रेवोकेशन है, यानी जब से आपका ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन इशू हुआ था और आपको रिसीव हुआ है तब से लेकर जब से आपने रेवोकेशन के लिए अप्लाई किया था और वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई है, इन दोनों डेट्स के बीच का जो टाइम फ्रेम है आपने उस टाइम फ्रेम के बीच की सारी रिटर्न्स फाइल करनी है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है कि सिस्टम आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आप रिटर्न्स फाइल नहीं करेंगे।
सेकंड है, अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं कि आपने रेवोकेशन के बजाय आपने कैंसिलेशन के बाद सेम पैन नंबर के ऊपर आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, इन डैट केस आपको इसी सर्कुलर को रेफरेंस देते हुए जीएसटी डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी। थर्ड है गाइस, इट्स बेटर टू अवेल द रिलीफ गिवन फॉर लेट फीस। जीएसटी काउंसिल ने अभी लेटेस्ट जो 40th जीएसटी काउंसिल हुई थी उसमें एक बहुत बड़ी रिलीफ दी गई है। एक तो मैक्सिमम कैप जो टैक्सेबल पर्संस का है, जिनकी रिटर्न्स में टैक्स बनता है, उसका मैक्सिमम कैप किया गया है 500 पर रिटर्न, जिनकी अगर नील है तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है लेट फीस के। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर रेवोकेशन इन 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, जो कि टाइम फ्रेम आपका एक्सटेंड करके 30th ऑफ सितंबर 2020 कर दिया गया है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है कि आप अपने कैंसिलेशन ऑर्डर को रिवोक करवा सकते हैं। अब हम उस सर्कुलर के एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। यह है गाइज हमारा एग्जाम्पल, जो कि हमारे सर्कुलर नंबर 99/18/2019 में दिया गया है। इसमें सबसे पहला कॉलम है रिटर्न नॉट फर्निश्ड फ्रॉम। जो टैक्स पेयर है उसने जुलाई 18 से रिटर्न नहीं भरी है। डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसका जो डेट ऑफ ऑर्डर है रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन का, वो है 1 मार्च 2019। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव फ्रॉम, इसकी इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन है 1 मार्च 2019। देन है गाइस डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसने फाइल करी है ऑन 30th ऑफ मे 2019। रिटर्न्स टू बी फर्निश बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब उसने जो रिटर्न भरनी है, रिटर्न्स ड्यू टिल 1 मार्च 2019, जो कि उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन है, उससे पहले की जो ड्यू डेट्स हैं उसने वो सभी टाइम पीरियड की रिटर्न्स भरनी है, दैट इज फ्रॉम जुलाई 18 टू जनवरी 2019। देन है हमारा डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन जो उसने फाइल करी थी फॉर रेवोकेशन, उसको एक्सेप्ट किया गया ऑन 1 जून 2019। डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न्स फॉर पीरियड बिटवीन डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये हमने 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी है, जिसकी ड्यू डेट बन जाती है 1 जुलाई 2019। यानी जिस दिन आपको रेवोकेशन का ऑर्डर रिसीव हुआ, उस दिन के 30 दिन तक आपके पास टाइम पीरियड है, आप इस टाइम पीरियड फ्रेम की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिटर्न्स टू बी फर्निश विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रिटर्न्स जो भरनी है, रिटर्न्स ड्यू टिल 1 जून 2019, जिस दिन आपको रेवोकेशन का ऑर्डर रिसीव हुआ उस दिन तक की जो रिटर्न्स ड्यू थी वो अब आपने भरनी है, जो कि हमारा टाइम पीरियड कवर होता है फ़रवरी 2019 से अप्रैल 2019। यह है गाइस हमारा एग्जाम्पल, जिसके थ्रू हमने समझा कैसे आपको अपनी जो ड्यू रिटर्न्स हैं उसको फिल करनी है। अब हम देखते हैं आपने अप्लाई कैसे करना है ऑन जीएसटी पोर्टल फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। यह गाइस हमारा प्रोसेस फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने अपने जीएसटी के डैशबोर्ड पे लॉगिन करना है। सर्विसेज में आपके पास रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। देन आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, डिटेल्स आपने रिकन्फर्म कर लेनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा रीज़न फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। अब आप अपना कैंसिलेशन रिवोक क्यों कराना चाहते हैं, उसका आपको एक रीजनेबल और एक्यूरेट रीज़न देना है,
जीएसटी डिपार्टमेंट को कि वो आपका जो कैंसल जीएसटी है उसको रिवोक क्यों करे आपके ऑर्डर्स को। लिमिटेड वर्ड लिमिट है इसमें, इसीलिए आपके पास एक अटैचमेंट का ऑप्शन आ जाता है इसके बाद, एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। आप उस रीजनिंग के साथ कोई, अगर आपका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है देन आप उसको अटैच कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज है फाइल का 1 MB, जो कि PDF और JPEG फॉर्मेट में ही आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने वेरिफिकेशन करनी है, देन आपने उसको DSC या फिर EVC के थ्रू उसको सबमिट करना है। आपके पास OTP आएगा, आपने अगर EVC सेलेक्ट करते हैं देन OTP आपने एंटर करना है। सक्सेसफुल होने का आपको मैसेज आएगा और विद इन 15 मिनट्स, जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं, विद इन 15 मिनट्स आपको ARN जनरेट होगा, जो कि आपके फ़ोन पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उन दोनों पे ही आपको अपना ARN नंबर रिसीव हो जाएगा। ये है गाइस प्रोसेस ऑनलाइन फाइलिंग का कि आप उसको रिवोक कैसे करा सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।